दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में स्पोर्ट्स कोटा के लिए 887 पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दी गई है। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, जो कि 29/8/2024 तक चलने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स अग्निवीर के स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन आई है उसके ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको ये फॉर्म अगर भरनी है तो आपके लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी फॉर्म की फ़ी कितनी लगेगी, फॉर्म ऑनलाइन है ऑफलाइन है, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ी है, मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया जो जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसे आपको जाननी चाहिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो आगे एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और स्कूल कॉलेज ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दें। आगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी अग्निवीर स्पोर्ट्स का, तो आपको यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही होगी जो कि 1/2025 है, या फिर आपको नीचे यहां पर एक ऑप्शन भी दिखाई दे रही होगी, आप इसके ऊपर पर क्लिक कर यहां पर आपको एक क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी जो कि एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा के वैकेंसी के लिए रिलीज़ की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें दी गई है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो मैं आपको आगे एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए मैंने जो पीडीएफ को हाईलाइट कर रखी है उसे यहां से ओपन कर लेता हूं। इसमें ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन ली जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर 20 अगस्त से आपकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी और 29 अगस्त 2024 तक आप इस पर ऑनलाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 9 दिन का समय दिया गया, यानी कि 9 डेज का समय दिया गया इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन करने के लिए। अगर आप एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे मैं आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी बताने वाला हूं क्योंकि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको इस पर फॉर्म भरने के लिए लगने वाली है। तो आपको यहां पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आप अगर इन सब स्पोर्ट्स को खेलते हैं और इसमें इन सब स्पोर्ट्स की आपके पास अगर सर्टिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही आपको 12th पास होनी चाहिए PCM से, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, साइकिलिंग है, या फिर यहां पर फुटबॉल है, साइकिल पोलो है, इस तरह की काफ़ी सारी स्पोर्ट्स यहाँ पर दी गई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, यहाँ पर कबड्डी भी है, शूटिंग है, इस तरह की काफ़ी सारी गेम्स यहाँ पर दी गई है। आप एक बार इसे अच्छे से देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट्स पर दी गई है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये लिंक दी गई है, आप इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लिंक है उसे एक्टिव नहीं की गई है, जैसे ही ये लिंक एक्टिव होती है मैं आपको एक अनदर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल कर बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो को आप जरूर सही एंड तक वॉच कीजिए जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। देन आपको यहां पर नीचे आनी है। अब आपके सामने में यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाई गई कि आप अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले एज के बारे में बोली गई है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, यानी कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट में बताई गई कि मैरिटल स्टेटस, यानी कि ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एस अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स के लिए, यानी कि सिर्फ अनमैरिड मेल ही इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से नीचे आनी है। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दी गई कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आपके साइंस सब्जेक्ट थी 12th में तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश में आपने अगर 12th करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए
अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपने अपनी ट्वेल्थ की डिग्री जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स से पास की है और इंग्लिश में आपकी मिनिमम 50% मार्क्स थी तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स आपने अगर की है इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा करके रखी है और अपने डिप्लोमा को अगर आपने 50% मार्क्स के साथ पास किए तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, आप इलिजिबल है। देन आपको यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स होगी वो क्या होने वाली है, यानी कि आपकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर उसी तरह से आपकी जो यहाँ पर हेयरिंग है, डेंटल है, उस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में दी गई है कि आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, जिसके ऊपर नेम और डेट आपकी मेंशन होनी चाहिए। फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, यहां पर आप देख सकते हैं। देन मैट्रिकुलेशन मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। देन डी नंबर पर आपको बोली गई कि आपकी इंटरमीडिएट यानी कि प्लस टू या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने एग्जामिनेशन को पास की है तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। देन आपको यहाँ पर और में यानी कि या में करके बताई गई कि अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स आपने करके रखी है तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए ऑल सेमेस्टर की। आपके पास सारे सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो अवेलेबल होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल एंड 4 फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी कि आप जिस भी स्पोर्ट्स के लिए ऑनलाइन करेंगे उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, उसकी ओरिजिनल 4 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। देन आपके पास आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो भी ओरिजिनल में। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर यहाँ पर नो रिस्क सर्टिफिकेट, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट एंड कंसेंट और अंडरटेकिंग फ्रॉम फॉर फिजिकल फिटनेस, इस तरह की सर्टिफिकेट यानी कि इस तरह की कंसेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगानी होगी। उसके लिए आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं नो रिस्क सर्टिफिकेट है, इसे आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले यहां पर अपने नाम को लिखेंगे, सारे को फिल करने के बाद सिग्नेचर की जाएगी कैंडिडेट की। फिर यहां पर देख सकते हैं पेरेंट या फिर गार्जियंस की आप सिग्नेचर को करवाएंगे। फिर प्लेस को आप यहां पर लिखेंगे, फिर उसी जगह डेट आप लिखेंगे। ये आपको ले जानी होगी जब आपकी फर्स्ट डे की वेरिफिकेशन होगी, उसमें आपको ये सारी चीजें ले जानी होगी। देन बॉडी टैटू सर्टिफिकेट आपको ले जानी होगी जिसमें आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। फिर उसी तरह से कैंडिडेट का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, फिर प्लेस और डेट को यहाँ पर आप लिखेंगे। देन आपको उसी तरह से यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट को आपके साथ ले जानी होगी। फिर आप स्क्रॉल कर आएंगे तो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि आपकी जो ये जॉब है वो 4 साल के लिए होने वाली है, यानी कि अग्निवीर वायु के तरफ से ये जॉब होगी। तो अग्निवीर की जो भी वैकेंसी होती है आपको पता ही होगा कि वो 4 ईयर के लिए वैलिड होती है, तो ये जॉब आपके 4 ईयर्स के लिए होने वाली है। फिर आपको यहाँ से कॉल करनी है। फिर आपको साल में 30 दिन की यहां पर छुट्टी दी जाएगी, साथ ही आपको मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी भी दी जाएगी। फिर आपकी जो पे है उसके बारे में बताई गई है, मैं नीचे डिस्कस भी करने वाला हूं। फिर टर्मिनेशन बेनिफिट्स आपको दी जाएगी सेवानिधि पैकेज के रूप में, वो सेवानिधि पैकेज कितने मिलेगी वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर आपकी जो सैलरी होगी वो 30,000 होगी, सेकेंड ईयर 33,000 होगी, थर्ड ईयर 36,500 होगी और फोर्थ ईयर में 40,000 होगी। इन हैंड आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। देन सेवानिधि पैकेज जो है यानी कि आपकी रिटायरमेंट पैकेज आपको 10.04 लाख दी जाएगी, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। वो आपको बताया गया कि आपकी सेवानिधि पैकेज आपको इतनी मिलेगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जॉब करते समय फिजिकल हैंडीकैप होते हैं या फिर आपकी डेथ होती है या और आपकी इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर की जाएगी, जो कि 48 लाख की होगी। अगर आपको जॉब के दौरान कोई भी चीज़ें होती है तो आपको कंपनसेशन के तौर पर 48 लाख रुपीज़ दी जाएगी। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर 27 नंबर पॉइंट में आपको बताई गई कि आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट
भी दी जाएगी आपके रिटायरमेंट के बाद। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, जो कि आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 7 मिनट के अंदर में। उसी तरह से आप यहाँ पर 10 पुशअप्स करेंगे 1 मिनट में, 10 सीटअप्स करेंगे 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स करेंगे 1 मिनट में। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर फिजिकल टेस्ट को पास करने के बाद सेकेंड नंबर पर आपकी जो है वो स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल्स होगी, यानी कि आपने जिस भी स्पोर्ट्स के लिए फॉर्म भरी होगी वो स्पोर्ट्स के लिए आपकी ट्रायल होगी। देन यहाँ पर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी बॉडी उडी चेकअप की जाएगी। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहाँ पर आपको बताई गई कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर पर आपको बताया गया कि कैंडिडेट का जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होगी उसे भी अपलोड करनी होगी, कैंडिडेट की सिग्नेचर को अपलोड करनी होगी, सबकी साइज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिर स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो कि आप मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई कि आपके पास अगर 1 से ज्यादा स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है तो आप मैक्सिमम 5 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पर बताई गई कि कोई भी कैंडिडेट अगर इस पर रजिस्ट्रेशन करता है, यानी कि फॉर्म फिल करता है तो उसे 100 रुपये की पेमेंट करनी होगी। देन आपको यहाँ पर बताई गई कि कैंडिडेट मस्ट हैव हिज एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर आपके पास आधार कार्ड की नंबर आपको यहाँ पर इंटर करने बोली गई है ऑनलाइन अप्लीकेशन में। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल कर आएंगे तो इस पीडीएफ में आप एंड हो जाएंगे। आगे एंड में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने 10th+2 यानी कि 12th करके रखी है 50% मार्क्स के साथ, और आपकी इंग्लिश में भी 50% मार्क्स है 12th में, और आपकी एज जो है 21 ईयर से ज़्यादा नहीं है, और आपके पास जो भी आप स्पोर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि आपको ऊपर पर इस पीडीएफ में मेंशन है उसकी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो अगर आप इन सब क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट्स भी आपको बता दी है कि 20 से 29 अगस्त तक आप फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब्स के रिलेटेड वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।